हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त आदि और मैं देखने वाला हूँ अपना रिप्ले मैच। मतलब उस समय मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था पर बीच में पापा कॉल आ गया तो पिकअप करना पड़ा, तो उसके वजह से मेरे को रिप्ले मैच देखना पड़ रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे और मैंने लिया था लुकारियो, तो अभी ऐसे ही देखना पड़ेगा। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मेरे को येलो मतलब वो पर्पल वाले बेस में क्यों नहीं दिखा रहा, पर आपको समझ तो आ ही जाएगा। तब भी लुकारियो मैं हूँ, उस टीम में लुकारियो नहीं है, वो टीम ओपोनेंट है मेरी, ठीक है। तो मैं इसको बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके साथ। तो ये वाला मैच ऐसे तो बहुत इंटेंस था, मतलब एकदम हार्ड था। इसको जीतना तो मुश्किल ही था भाई लास्ट में, क्योंकि सामने जो सिंडी नहीं, ये सीजर, सीजर क्या नाम था इसका, हाँ सीजर, और ये ग्रेनिंजा था और ये क्रसल, बहुत ख़तरनाक थे। तो उनके ऐसे बहुत प्रॉब्लम हुआ था, जैसे कि अभी क्रसल हम लोग उनके यहाँ गोल्ड डाल रहे हैं। मेरे को स्टैक करना था इसमें, तो मेरा ये शायद पहला स्टैक था, तो अभी मैं स्टैक करके जा ही रहा था बेस पे कि मैंने इसके बाद क्लच कर डाला। देखा वो मेरे को मारने वाला था कि मैंने अपना वो मारा मिट्टी और मैश, और फिर उससे आगे आ गया। तो अभी तक तो मैं लेवल 4 ही का हूँ और सब यहाँ साइड में दिख सकते हैं, और हम लोग ये भी देख सकते हैं कि कौन क्या क्या कर रहे हैं। एक बार देख लेते हैं उस समय ये सिंडी क्या कर रहा था। पता है सिंडी जो है ना, सिर्फ की बफ लिया, सिर्फ सबसे ज़्यादा बफ लिया, फिर भी इसने बफ नहीं लिया तब भी ये लेवल 6 का हो जाता है। इसी के बगल में छुपा हुआ हूँ, पता नहीं किस लिए, मेरे को भी नहीं पता। शायद मेरे को अच्छा हाँ कॉल आया था ना, तो कॉल पिकअप करना था, तो उसके लिए मैं यहाँ खड़ा था। अभी पता चल गया, नहीं नहीं कॉल नहीं आया था, शायद मैं वेट ही कर रहा था। अच्छा एक बार कॉल आया था तब मैंने पिकअप नहीं किया था, फिर उसके बाद फिर से आया तब पिकअप किया था। हाँ ऐसे इसका मीटर मैच बहुत ख़तरनाक था, और इधर मैं देख के डर गया था कि इसने सीजर ले लिया था, क्योंकि तो सीजर है जो कि हेल्थ अपना बढ़ा सकता है, स्काइथर तो बढ़ा सकता है बट ठीक है वो ज़्यादा, उसके पास ज़्यादा हेल्थ नहीं होता है। और मैंने अभी तक एक भी एक स्टैक किया है, उससे ज़्यादा नहीं किया, उससे ज़्यादा नहीं किया स्टैक। उन लोगों में भी ये जो लेवल ग्रेनिंजा का कैंगर का लेवल 6 था, और हम लोगों में राबूट और उसका देखो कॉल आ गया था। अभी अभी कॉल आ गया था तो ये मेरे को मार देगा, तभी मैं बेस पे पहुंचा हुआ था। थोड़ा सा हिल जाता ना तो हेल्थ मेरे को मिल जाता, और हेल्थ ले भी लेता, इसको लगता है कि मैं हेल्थ ले लूँगा पर मैं मर जाता हूँ। और मैं बेस पे दिखूँगा, हाँ आ गया मैं बेस पे आ गया, और कुछ देर के बाद मैं बेस ही पे रहता हूँ। अब तक कॉल पे रहता तब तक, तो अभी मैं बेस ही पे हूँ, तब तक बेस टूटता नहीं है फिर भी। तो अभी क्या हो रहा है, लुकारियो कितना टाइम लगेगा, लुकारियो हाँ लुकारियो लुकारियो, अरे इतना देर बात किया था मैंने, 2 ही मिनट तो हुआ था भाई, 2 या 1.5 मिनट। अच्छा आ गया मैं, आ गया आ गया आ गया आ गया। उन लोगों में 7777 और स्नोलैक्स 6, हम लोगों में 7756। मैं ही लेवल 5 का था, मैंने शुरुआत नहीं बोलता कि इंटेंस मैच था, और सच में इंटेंस मैच था, ये कुछ ज़्यादा ही इंटेंस मैच था। यहाँ इस सीजर को मारने में हम लोग को इतना टाइम लग जाता है पर हम लोग मार नहीं पाते हैं, पर एक मेरा 2 स्टैक हो जाता है एसी के लिए, और ये मेरे को 5 का चाहिए था, तो मेरा दोस्त ही सब स्टील कर रहा था, मैं क्या कर सकता हूँ। और मेरे को लगा था कि जेशिन है, फिर उसके बाद मैं लड़ने चला गया और ख़त्म, तबाह समाप्त। उन लोगों में 8887 और 7 हो चुका है, हम लोग में 8868 हो चुका है, उन लोगों में 99 भी हो गया अभी अभी तक। ये इतना ज़्यादा स्टील कर रहा था ना, जबकि लेवल 8 का मैं लेवल 7 को देख भी रहा है। ये लास्ट वाला मैं स्टील कर लेता हूँ, अच्छा करता हूँ मैं, मेरे को स्टील तो करना चाहिए ना, लेवल 7 पे आ जाऊँ तो क्लोज कॉम्बैट लूँगा। इसका बिल्ड, हाँ बिल्ड बता देता हूँ मैं इसका, हाँ इस बार हम लोग पुश नहीं करवा पाते थे और यहाँ मैं मर जाता हूँ, क्योंकि वो मदद करने नहीं आता, देखो घूम रहा है, मर गया मैं। इसका बिल्ड है स्कोप लेंस, मसल बैंड, और ये एक और एक, हाँ वीकनेस नहीं, स्कोप लेंस मसल बैंड बोल रहा हूँ मैं, मसल बैंड अटैक वेट, और ये लास्ट क्या नाम था, वीकनेस पॉलिसी, यही है लास्ट। मेरा अभी वो आ चुका होता है क्लोज कॉम्बैट, मतलब कभी का आ चुका होता है पर मैं अभी बता रहा हूँ, और मैं इसमें क्लोज कॉम्बैट और पावर पंच खेल रहा हूँ, क्योंकि अभी इसको नर्फ मिला इतना ज़्यादा कि इसमें
वो करना बहुत मुश्किल हो गया, क्या कहते हैं, डैमेज है ना। मैं पता नहीं ये सीजर को क्यों नहीं मारता, पर नहीं मारता, मैं उसको छोड़ देता हूँ। क्योंकि देखो उसने मेरे को मारा था, पर मैंने उसको बताया कि नहीं मैं तो इतना बुरा नहीं हूँ, मैंने जाके गोल डाला पर उसको मारा नहीं। यही होती है एक अच्छे प्लेयर की निशानी। और यहाँ ये 10 गोल डालने आया था। द राइट साइड टीम हैज़ बीन, क्या नाम था, अच्छा मतलब हम लोग को बोल रहे राइट साइड, हम ही लोग तो हैं, मतलब हम लोग हार रहे हैं। अच्छा वो बता रहे लेट, मतलब पास्ट में बता रहे हैं, अब पहले प्रेजेंट में बताता था, अभी पास्ट में बता रहे, क्योंकि नहीं पता नहीं जो भी है, बट ठीक है। मैंने अभी तक यूनाइट भी नहीं चलाया ना, नहीं चलाया मैंने अभी तक यूनाइट, और चलाता भी नहीं हूँ अभी। ये रेड रेड देख के मत सोचना कि मैं क्या कहते हैं कि हम लोग नहीं है, क्या कहते हैं कि ये लोग ओपोनेंट है, हम लोग ये हैं लुकारियो वाले, ठीक है। और ये सामने जो है ये इतना बुड़बक होता है कि मेरे को 25 गोल डालने देता है, और मेरे को बेसिक मार सकता था वो, फिर भी पागलपन दिक्कत है। और यहाँ फुल गैंग पार्टी हो जाती है, फिर भी हम लोग एकदम पीरो प्लेयर की तरह हार जाते हैं। पर शायद हम लोग एक को मारते हैं यार, हाँ मार दिया, तो सिंडी को मार देते हैं हम लोग। गेम खेलते खेलते समझ नहीं आता कब 10 मिनट बीत जाता है, और अभी अभी मेरे को भाई बहुत टाइम लग रहा है ये रिकॉर्ड करने में, ऐसा लग रहा है क्योंकि अभी भी 4 मिनट बचा है। और अगर मैं अभी गेम खेलते खेलते रिकॉर्ड करता तो भाई कब का 10 मिनट बीत चुका होता, ऐसा लगता, ऐसा होता है। देखो अभी मैं स्टीलिंग नहीं कर पाता क्योंकि मैं हूँ ही बॉट, मैं कुछ ज़्यादा नाटक करने लग जाता हूँ और इसी की वजह से हो जाता है स्टील उन लोग से। स्टील नहीं, उन लोग मार ही रहे थे, मैं स्टील नहीं कर पाता हूँ। वाओ रोजी लिकी, यहाँ तो जासिन था ना, हाँ जासिन ले रहा था 20। तो अभी हम लोग ऊपर की तरफ पुश करते हैं क्योंकि ऊपर रजली की था, और शायद इस बार हम लोग रजली की ले लेते हैं, एक बार वो लोग लेते हैं एक बार हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने इसमें गेंगार को मार दिया था, सिंडी को मार दिया था, और साइथर को, इस सीजर को भी, और इसमें सबसे ज़्यादा मदद करती है हम लोग के टैलोन। देखो अब हम लोगों ने उनकी तरफ रजली की भेज दिया है, रजली की जा रहा है, और रजली की पुश भी हो जाता है, मैं गोल भी डाल देता हूँ 40 गोल। और मैं पता नहीं क्यों बैक में आता हूँ, मेरे को लगता है कि वो लोग गोल डालने आएंगे इसके वजह से, पर कोई आता नहीं क्योंकि 6 का गोल था, तो आना तो यही था पर कोई आया नहीं, तो अभी मैं गोल डालने जाता ऐसे देख के, देखो ऐसे देखता हूँ मैं। उस समय भी मैंने ऐसे देखा था कि कितना सेकंड बचा है, और यहाँ जब वो रजिस्ट्री मेल्ट हो रहा तब भी मैंने देखा था, पर अभी मैंने दिखाया नहीं। अभी क्या कर सकते, जाता नहीं हूँ पता नहीं क्यों गोल्ड डालने, पर मैं इसमें एक और एक बार गोल्ड डालता हूँ, जाऊँगा गोल्ड उठाऊँगा, ये वाला पास वाला, वो वाला उठाता तो मैं मर जाता, पक्का मर जाता मैं, अभी मर ही जाता हूँ वो तो पता ही है। मेरा यूनाइट इस बार बच जाता है, यूज़ नहीं होता मेरा यूनाइट, मैं पहले ही बता देता हूँ, मेरा यूनाइट बच जाता है, क्योंकि आप लोग भी बताओ जो जो खेलता होगा इस लुकारियों से, अगर कोई बीच में मार देता है तो उसका वो हो जाता है, क्या कहते हैं, उसको मिल जाता है वापस उसका यूनाइट, सिर्फ लुकारियों का, और सब सिंडी का तो भाई चला ही जाता है। ग्रेनिंजा का भी, ग्रेनिंजा तो मर जाता है उसके बाद भी उसका शरीर जाके फिर निकलता है। और यहाँ हम लोग गोल्ड टूट चुका होता है पर हम लोग इसको ख़त्म कर देते हैं, जिसका किल मेरे को मिलता है क्योंकि देखो मैंने उसको क्लोज कॉम्बैट सबसे पहले मार दिया था। और अभी देखना मेन सीन, सबसे इंटेंस वाला वक्त, मैं इधर देखता हूँ कि मेल्ट कर रहा होता है अपना सिंडी, ये अपना सिंडी है, ये अपना सिंडी पुच्चू राहुल, जो कि कुछ ज़्यादा ही वो बफ ले रहा था, वो अभी 11 लेवल का, मेरे को देखो 12 लेवल, 13 लेवल का होने वाला हूँ। आप देख सकते हो कौन अच्छा खेलता है, सिंडी है मैं, सिंडी से तो मैं अच्छा खेलता हूँ भाई, लास्ट में 14 लेवल का हो गया था मैं, 14 की 13 13 हो जाना चाहिए सिंडी से कभी भी। तो यहाँ देखता हूँ कि यहाँ ग्रेनिंजा मेल्ट करता है अपना सिंडी मेल्ट करता है, पर मेरे को देखना, अभी मेरे को देखना, मैंने बिना देखे चलाया था, मैंने देखा नहीं था कि रायकाजा को इतना मेल्ट हो चुका है, मैं इसको स्टील करता हूँ बिना देखे रायकाजा, थोड़ी देर तक देखता हूँ जब हाफ एचपी रहता है, हाफ से थोड़ा सा कम 25% HP, तब मैंने अपना यूनाइट चला दी, क्योंकि इसके यूनाइट को चलने में टाइम लगता है सबको पता है, इसी कारण लोग मैच जीत जाते हैं, पर फिर भी मेरे को MVP नहीं मिलता है। और ये अपना सी ग्रेनिंजा जा रहे गोल्ड डालने, वहाँ पे वो लोग भी गोल्ड डाल रहे थे पर उतना ज़्यादा गोल्ड नहीं डालते, इसे हम लोग जीत गए थे, वैसे ज़्यादा का वो नहीं हुआ था। यहाँ देख सकते हो अभी 456 और 467 हुआ है, अभी भी हम लोग हार रहे हैं, 456 481 अभी भी हम लोग हार रहे हैं। पर लास्ट में जो सीजर धमाल दिखाता है, सीजर बोल रहा हूँ अपना
कोई तो धमाल दिखाता है, लास्ट में जाके गोल डाल देता है अपना। शायद सिंडी था, सिंडी था क्या कि अपना ग्रेनिंजा था, ग्रेनिंजा था मेरे हिसाब से, ग्रेनिंजा था अपना। टायरन लेवल 13 का, मैं भी मैं 14 का, ग्रेनिंजा 14 का, सिंड्रेस 14 का, जेशिन 13 का। तो लास्ट में कौन गोल डालता है बे? लास्ट में कोई ना कोई तो गोल डाल देते जिसके से हम लोग जीत जाते हैं। पर जो स्टील किया मैंने, मतलब मैंने टाइमिंग पे चालू कर दिया कि हाँ उसको टाइम लगेगा जाने में, तो मैंने यूज़ कर दिया और फिर उसके बाद वो गया और हम लोग जीत गए। कितने पॉइंट से? 21। अरे मेरे को ही MVP मिलता है। हाँ तो मेरे को MVP मिलता है। तो ये रिप्ले वाला वीडियो देखने में अगर मज़ा नहीं आया होगा तो नहीं, मज़ा तो आया ही, क्योंकि मज़ा नहीं मतलब समझ नहीं आया होगा तो मेरे को बताना, मैं फिर से एक और एक लुकारियों के ऊपर वीडियो बना दूंगा। क्योंकि अभी ना उन लोग का दिखा रहा था ये वाले में, पर्पल वाले में, पर हम लोग का दिखाना चाहिए था, तो उसके से प्रॉब्लम भी हुआ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो ना, मैं अगर तुम लोगों को प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कर देना, मैं लुकारियों को फिर से वीडियो लेके आ जाऊँगा। तुम लोग मेरा प्रोफाइल देख लो, आदि लेजेंड AP705FK5। किसी को अगर खेलना होगा तो खेल लेना, और बैटल रिकॉर्ड देख लो, फेवरेट पोकेमॉन देखना तो फेवरेट पोकेमॉन देख लो। 50,000, 20,000, 7,000, मैंने बोला था 7,175, डोरियो 10,000, 4,750। उसके बाद से ज़्यादा नहीं खेला किसी के साथ। अर्शिफू भी है मेरे पास, अर्शिफू पर अभी वीडियो नहीं आएगा, मैं अभी उसके साथ खेलता नहीं हूँ, मतलब उतना मस्त नहीं खेल पाता। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।